ਵੇਖ ਲਓ ਹੌਰਨ ਟੰਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ सबसे महत्वपूर्ण है। चमत्कारों के ऊपर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। चमत्कार होते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई सारे चीजें होती हैं, वो सभी चमत्कार होते हैं। लेकिन उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। यानी ईश्वर से हो रही उस प्रार्थना को माध्यम बनाया जा रहा है ऐसे मंचों का। पॉइंट और है फादर, इसमें जरा मैं जोड़ दूं, इसको और सिंपल करते हैं। जो प्रोसेस हमने देखा टच एंड माइंड हील करने की जो बातें हो रही थी, क्या ये कैथोलिक धर्म जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता? हम जहाँ तक कैथोलिक कलीसिया का संबंध है, विश्वास है, किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, ये हमारे भारत की संस्कृति है। हम किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन उस टच के बाद, उस स्पर्श के बाद जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उछलने लग जाए। तब मैं भी कई सारे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया हूँ। लोग आते हैं हमारे पास कई बार दुखी, दर्द से कराते हुए, पीड़ा से कराते हुए आते, प्रार्थना की दुआई लेकर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है इसको आप क्या कहते हैं? ये फरे धोखा आडंबर नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रोसेस को बता दीजिए फिर, क्योंकि इन व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिशप है या मैं नहीं जानता। अगर हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं वो तो हम सब करते हैं, एक माध्यम कोई व्यक्ति भी चलिए हो सकता है, आप उसे गुरु के रूप में मान लें और आप कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु ईश्वर से मिलन। लेकिन क्या ये सब जो हो रहा था वहां पर फादर, क्या ये पॉसिबल है कि आप तो, एक महिला भी कह रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पति उनके अंदर आते थे और वो उन्हें तंग करते थे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रार्थना से कोई भी चीज संभव हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं ही प्रार्थना करूं या फिर मेरे केवल वहां जाने से यही चीज होगी। अगर मैं मेरे कमरे में बैठकर भी ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं तो वो चमत्कार मेरे जीवन में हो सकता है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा अगर मुझे तंग कर रही है, अगर सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना आत्मा मुझे आते हैं। अब मैं जरा हिंदू धर्म गुरु से बिशप, ये हमने भी बहुत सारे उगट रहा पखंड, भूत भगा देना, कान में फूक के भूत भगा देना, वो प्रोसेस तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको आप आडंबर देख रहे हैं या फिर हमारे में जो मंत्रों को कार्य कर झूठ मूठा फूका और सब कुछ ठीक हो गया वो आडंबर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, जो विज्ञान है वही सनातन है। और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहाँ वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई, हजार आदमी, हजार में से 50 लोगों पर कहीं इसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं एक महीने से दवाई खा रहा था लेकिन उसका प्रभाव अंतर्गत हुआ, अंत में मेरे पे होने लगा और मैं किसी के कहने से यहाँ पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा। तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा, मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चलानी है प्रत्येक घर में चलानी है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद, है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए।
क्लिनिक क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धता बता दिए इन लोगों ने, अब ऐसे इलाज होगा, आप लोग फिर क्या करें? देखिए मैडम, मैं एमडी मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5-7-10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये उस उनकी प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से ठीक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूंगा ना सर, इसी अंधविश्वास को हम बेनकाब करने के लिए तो बैठे हैं। और अभी मैं जिस आदमी से आपको मिला हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, उसके लिए माफी, मैं आपको फिर से रोक दूंगा, जिस आदमी से मिलाने वाले हैं वो माइंड हीलर है, हरमन से, और इस माइंड हीलर के थ्रू अंधविश्वास जो एक टच और उसके बाद ये घबराहट वाली जो तस्वीरें देखी आपने, वो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ये जो हो रहा है ये चमत्कार है या विज्ञान क्या है? ये हमारे माइंड का एक इकोसिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और बिलीफ की शक्ति है। अगर हम मान लें कि हम पानी पीने से भी हील हो सकते हैं, और अगर ये बात कहने वाला शख्स कोई डिग्निटरी पर्सन है, जैसे डॉक्टर साहब अगर किसी को एक मेडिसिन दें, चाहे वो मेडिसिन एक शुगर पिल भी क्यों ना हो, और अगर ये कह दें कि ये आपकी बीमारी की सबसे महंगी और सबसे वेरीशियस दवाई, आप टच करके यहाँ पे लाइव कैमरे पे ये रिएक्शन सामने दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सर, पक्का? तो इंतजार कराता हूँ, एक छोटा सा वीडियो लेता हूँ, वापस आ रहा हूँ, क्योंकि पयोधी के साथ बहुत सारे दर्शक हैं और कई लोग और भी हैं, इन सबको लाइव हम अभी आपके सामने इस कैमरे के सामने डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे कि जो दिखाया जा रहा है ना ये सच है झूठ है, वो उसके बाद आप खुद तय कर लीजिए। छोटा सा वीडियो न्यूज नेशन टीवी चैनल दी पेट ते किधे दी करेगी रेट। ऐसे ही जादूगर नकवी अली से एक ट्रिक दिखाना होगा और उन्होंने दिखाया, हम आपको दिखा। चमत्कार का जाल, ट्रिक का कमाल। श्री गंगानगर में कथित बिशप अमरदीप की प्रार्थना सभा में होने वाले चमत्कार से पर्दा उठाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने कई जानकारी जुटाई, जिसमें कई लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार होने के दावे किए जो मनोविज्ञान से जुड़े थे। कुछ लोगों ने शारीरिक बीमारियों के इलाज का भी दावा किया और ऐसा व्यवहार करते नजर आए जैसे उनके शरीर में कोई प्रेत आत्मा। दरअसल साइकोलॉजी में इसे फेथ हीलिंग कहा जाता है और कुछ चमत्कार तो ऐसे हैं जिसे मैजिक ट्रिक के रूप में जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे न जाने कितने मैजिक ट्रिक भारत में छोटे छोटे जादूगर करते हैं। इन्हीं ट्रिक से पर्दा हटाने के लिए टीम पिंक ते येलो चुन्नी वाली ब्रिगेड फीमेल ब्रिगेड दे उत्ते करना ध्यान। बनाया इन्होंने बाबे नु महान। बेटा फूक मारो, बेटा ऐसे नहीं जोर से मारो, टाइम हो गया, खाली कटोरी है सर, चलो ना खिला दो, नाच में कौन चुराने लग गया बेटा, बैठ जाओ। यानी यही ट्रिक अगर कोई परिधान बदलकर किसी बाबा मौलाना या बिशप पादरी या पास्टर के रूप में करे तो इसे चमत्कार मान लिया जाएगा। चलो मुंबई जाओ, इसमें है सर मैम? नहीं नहीं सर, इसमें नहीं है, देखिए मैडम, और इसमें भी नहीं है सर, वो मुंबई गया घूमने के लिए सर, ये जयपुर जाएगा राजस्थान। चलो तुम जयपुर चले जाओ, वो राय चला गया सर वो जयपुर, उस कटोरी के अंदर में देखिए, ये जाएगा बैंगलोर, वो राय वापिस आएंगे सर, एक एक आ जाओ, बंबई से आ गया सर, जयपुर से आ गया सर, और बैंगलोर घूम के आ गया सर।
इन्हीं ट्रिक्स को न्यूज नेशन के संवाददाता अमित चौधरी ने अपने ऊपर आजमाने की ठानी और जो दिखा वो हैरान करने वाला था। मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया सर। ओ वन टू थ्री, हाथ में लीजिए सर, ये लीजिए सर, लाइटर लीजिए सर, लाइटर, और सर इसमें आग लगा दिए सर। अरे वाह सर, लगा आपके पेपर में पीते हो सर। वन टू थ्री मोर राइट, लेके आओ वो वही नौ, वापिस आ जाओ महाकाल। ऐसे न जाने कितने जादू राजस्थानी जादूगर नकवी अली ने बच्चों को दिखाए, लेकिन दावा नहीं किया कि ये कोई चमत्कार है या उसके पास कोई शक्ति है। हर बार जादूगर ने इसे ट्रिक ही बताया। जादू जहाँ बोल रहे सर, जादू सबसे अलग हटके होता है सर, और ये कलाकारी तो हाथों की ट्रिक होता है सर। कई बार पूछने पर भी नकवी अली ने ट्रिक क्या है, वो कैसे करते हैं ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा जादू भारत में बच्चे भी करते हैं। लेकिन अंधविश्वास में डूबे लोग बाबाओं, मौलानाओं और कथित बिशप जैसे लोगों की ट्रिक को नहीं समझ पाते, वो मनोवैज्ञानिक ट्रिक करते हैं और लोग प्रेत बाधा और न जाने क्या क्या समझते हैं। हम एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन अंधविश्वास का जो खेल चल रहा है उसको तो आपके सामने लेकर हम आएंगे ताकि किसी भी धर्म को बदनाम ना किया जा सके। अब सीधा हरमन सिंह के पास है, वो जो ये दावा कर रहे हैं कि वो तमाम चीजें जो आपने भी देखी कैमरे पे, जो एक बिशप कर रहा था, जो खुद को घोषित बिशप था वो कर रहा था, वो दरअसल साइंस है और कुछ नहीं है। मैं पहले अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ करूंगा, देन मैं आपकी जो भी ऑडियंस या आपकी टीम है उसमें से हम कुछ ट्राई करेंगे। इसमें मेरे हाथ में कोई भी टेक्निक कह दिए ट्रिक नहीं है, प्योर साइंस, एक साइकोलॉजी। मैं अपनी टीम के पार्टिसिपेंट बताना चाहूँगा, ये मेरे टीममेट हैं, मैं ऑलरेडी इनको कई बार हिप्नोटाइज कर चुका हूँ। अब जैसे वहाँ पर दिखाया जाता है कि किसी को हाथ लगाने से हाथ हिलने शुरू हो गए, ठीक है, वैसे जैसे मैं इनके शोल्डर पे हाथ लगाऊंगा ना, इनकी पूरी बॉडी डीपली रिलैक्स हो जाती है एंड स्लिप। ये देखिए, ये वो एक्ट कर रहे हैं या आपने कुछ किया? मैम ये रियल है, हम कैसे ट्रस्ट करें? मैं वही पूरी आपको पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट अभी ब्रीफ करने जा रहा हूँ। इनको मैं यहाँ पर आने से पहले हिप्नोटाइज करता रहता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि हिप्नोटिज्म का यूज होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री लेने पर। कॉन्शियस माइंड, हमारे तर्क विचार जब हमारे इमोशंस पे हावी हो जाते हैं ना, तो उस कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इस समय ये मेरी हर बात सुन रहे हैं, इनका नाम गगन है, जो मैं गगन पे कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बैठे लगभग 50 लोग इस डेमोंस्ट्रेशन को देख रहे हैं। अब किसका माइंड ये देखकर इन्फ्लुएंस हो जाएगा और जो मैं उस उन पे करूंगा वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जितने लोग उन पाखंड की दुकानों में जाते हैं उनको पहले से पता होता है, उस चेन से इन्फ्लुएंस होते हैं जो लोग वहां पर पहले से जा रहे थे जिन्होंने उन्हें बताया। मैं वही आ रहा हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बोला था माइंड पिक्चर्स पे काम करता है, और उन्होंने देखा कि हाथ लगाने से हाथ हिलते हैं, और जब पानी डाला जाता है तो अंदर से सिर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी इमेजेस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा होता है, और जितने लोग वहां जाते हैं मैक्सिमम लोग 3 से 4 लोग जो उनकी टीम के होते हैं वो तो करते हैं एक्टिंग, उनको एक्चुअल में हिप्नोटिज्म भी नहीं आता, वो करते हैं सिर्फ एक्टिंग। पर उनको देख कर वहां जाने वाले जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धा के साथ गए हैं, जो विश्वास के साथ गए हैं, उनके लिए वो सच है, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। कन्विंस्ड हैं ऑलरेडी। यस, रिलैक्स। अब आप हमारी ऑडियंस में से किसी को करके दिखाएं, क्योंकि विश्वास कैसे होगा, वो तो आपके टीम पार्टनर है। ये भी बात ठीक है। हाँ। क्या इनमें से मुझे कोई पहले जानता है? आज से पहले पहले आप इस बात की श्योरिटी दीजिए, पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। एक छोटा सा डेमो ना, अभी आप मिले इनसे? हरमन कुछ कह रहे हैं, हम एक एक्ट करेंगे कि क्या वो फिजिकली पॉसिबल है, पहले तो वो देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि कैसे मैं उनको कर पाया, ठीक है। आ जाइए सर, आप आ जाइए, मुझे 3 चेयर्स मिल जाएंगे सर। हाँ, श्योर।
चेयर दे दीजिए, जब तक चेयर्स लगती है तब तक मैं एक बार क्राउड में थोड़ा सा गन शेयर करूंगा प्लीज जी। आप सब लोग मेरी तरफ देखिए, सहयोगी आप इधर राइट। आप में से कितने लोग अपने माइंड की पावर को जानना चाहते हैं? वंडरफुल। सो आप मेरे कहने से छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे माइंड की पावर को जाने, ठीक है? सो अपना राइट हैंड यहाँ रखिए, दिस एंड लेफ्ट हैंड शुड बी लाइक दिस, ओके? नाउ क्लोज योर आईज और आपको मेरे कहने से सिर्फ फील करना है, फील करना है और इमेजिन करना है कि आपकी राइट हैंड के ऊपर एक हैवी इंसाइक्लोपीडिया बुक रखी हुई है और जिस बुक के वेट के कारण योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 और लेफ्ट हैंड के ऊपर हॉट एयर बैलून बंधे हुए हैं जो हवा में ऊपर की तरफ जा रहे हैं एंड योर लेफ्ट हैंड इज गोइंग अप इन द एयर गोइंग अप इन द एयर गोइंग अप इन द एयर गोइंग अप इन द एयर। अब राइट हैंड को इस बुक को देखिए, बुक के कलर को देखिए, बुक के टाइटल को देखिए एंड नाउ फील द वेट ऑफ द बुक ऑन योर राइट हैंड एंड योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 लेफ्ट हैंड इज गोइंग अप 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 राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 और जिनके हाथ में मैं टच करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली इनकी बाकी चीज हो जाएगी गोइंग डाउन फील द वेट डाउन down 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 left hand is going up 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 अब आप ध्यान से देखिए, आप सब लोग अपनी आंखें बंद रखे, मैं चाहूंगा कि कैमरा एक बार लेकर जाया जाए। मैंने इनको बोला कि आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है, मैंने को ताकत तो नहीं दी इनको पर मुझे अब ये पता लग गया कि मैं किन के ऊपर ही एक्ट कर सकता हूँ। अच्छा ये आपको पता चल गया, मुझे पता है, रिलैक्स ओके। ये हाथ आपने मेरे कहने से चेंज किए या ऑटोमेटिकली हुए? एक मिनट, किसको ऑटोमेटिकली हुए? आपको खुद से हुआ? हाँ, आपने फील किया था वो बोल रहे थे, वो हाथ नीचे नीचे जाते जा रहा था। और किसके साथ हुआ? क्या फील हो रहा था? क्या फील हो रहा है? ऐसा लग रहा था कुछ मैग्नेट है, मैग्नेटिक चीज है जो खुद खींच रही है। अपने आप नीचे जा रहा था, अपने आप जा रहा था। ऐसा लग रहा था वेट है हाथ में, मतलब बुक फील हो रही थी, हैवी बुक राइट हैंड में। चलिए सर इसका एडवांस वर्जन दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे सब्जेक्ट है देवेंद्र जी, इनके ऊपर हम एक एक्ट करेंगे, ठीक है? मैं आपको सिर्फ माइंड की पावर दिखाना चाहता हूँ, तो लेट मी ट्राई समथिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1. अब सर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 90 केजी के आसपास होगा, एक 90 केजी वाला शख्स क्या इस तरीके से हवा में आ सकता है? क्या ये गैरी मीन है? मेरा वेट 85 केजी है और यहां पर जितनी देर मैं कहूंगा उतनी देर तक रह सकते हैं, स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट वन आवर। ओके, अब इसको सेटल करते हैं। 1, 2, 3 एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स रिलैक्स ओपन राइज एंड बैक एंड बैक। अब इसमें ना एक चीज समझने वाली है, अगर हम बायोलॉजिकली ये करना चाहे, डॉक्टर साहब इज इट पॉसिबल अगर कोई बायोलॉजिकली ये करना चाहे? ये जो हुआ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है साइंस से बात है डॉक्टर्स करने? देखिए इनकी बॉडी वेट को लेकर, देखिए अगर इन्होंने एक्सरसाइज की है या इन्होंने इस पर ट्रेन किया तो पॉसिबल है, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी है तो पॉसिबल नहीं। देवेंद्र जी कभी जिम गए? बचपन में गए। अच्छा बचपन में गए, कभी एक्सरसाइज की है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? नहीं, नो ट्रेनिंग। आपको महसूस हुआ था जब हरमन जी आपके ऊपर खड़े हो गए? पता चलता है बट ये नहीं कह सकते कि हम वेट फील नहीं होता, मतलब वेट नहीं फील हो रहा था कि आप दब रहे हैं, कोई भारी चीज आपके ऊपर है? नो, जैसे अभी इनकी पूरी बॉडी को मैंने रिजिड किया और मेरा वेट 85 केजी है और मैं उनके ऊपर था, पर ये वेट उस स्ट्रेंथ से फील नहीं कर पाए और इनकी बॉडी और माइंड रिलैक्स थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर मेरे कहने से इनकी पूरी की पूरी बॉडी यानी कि इनका माइंड, इनका न्यूरो सिस्टम, इनका प्लेसिबो सिस्टम, सब चीजें मेरी बात से, मेरे सजेशन पे डिपेंड कर रहा है,
अगर मेरे कहने से इनकी पूरी बॉडी रिजिड बन सकती है, और अगर इनको कोई बायोलॉजिकल इशू है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था ऑटो इम्यून कोई बीमारी है या साइकोसोमेटिक कोई डिसीज है जो रियल नहीं है, वो किसी सिचुएशन की वजह से आएगी, तो अगर ये बॉडी रॉड बन सकती है तो मेरे कहने से अगर मैं बोलूं कि अभी से इनकी वो बीमारी रिजॉल्व, तो वो क्यों नहीं हो सकती, वो हो सकती है। अब लेट मी फाइंड, तो मैं वही चाह रहा हूं, अभी ये क्वेश्चन हो रहा होगा, ये आपके टीम के लोग हो सकते हैं, डी पीपल आकर नहीं, मैं चाहता हूं यहां से मिलाई ऑडियंस में, अब टीम के लोग में क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं न्यूज़ क्रिएट करना चाहता हूं ना, क्योंकि अगर तो मेरे पास शक्ति हो, मतलब चाहते विश्वास आप पे बढ़े लोगों का, दर्शकों का, ओके, और अभी जो मैंने एक्टिविटी की थी उससे मुझे कुछ पता लग गया कि हाँ इनमें से कुछ लोग विश्वास कर किए जा सकते हैं। अब जितने लोग वहां जाते हैं ना, सबके हाथ वहां भी नहीं हिलते सर। वहां पर ये बोला जाता है कि यहां से अब मैं शक्ति भेज रहा हूं, जिनके अंदर प्रेत आत्मा है ना वो निकल जाएगी, और 90% लोगों को जो वहां जाते हैं उनको लगता है कि किसी ने किया कराया उनके ऊपर है, प्रेत आत्मा है, और वो नाचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब डेमोंस्ट्रेशन, लेट मी फाइंड माय सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेरी स्टेज तो है नहीं कि भाई मेरे पास 20-25 लोग हैं, सबके सब लोग मेरी तरफ देखे एक बार, लुक एट मी, लुक एट माय आई हैव सेड इट, लुक एट माय टेक अ डीप ब्रीथ एंड क्लोज योर आईज राइट नाउ, और मैं यहां पर काउंट करूंगा 1-5 और हर बढ़ते नंबर के साथ आपकी आंखें लॉक होती जाएंगी, पलकें भारी होती जाएंगी, और आप इसे जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और भारी होती जाएंगी, 1, 2, 3, 4 and 5, अब आप ऐसे कुछ लोगों की आंखें लॉक हो जाएंगी, आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे पर खोल नहीं पाएंगे, जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और हार्ड होती जाएंगी, अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए पर आप खोल नहीं पाएंगे, और जो लोग आंखें नहीं खोल पा रहे वो अपना हाथ खड़ा करके बता दीजिए, जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे वो हाथ खड़े करके बता दीजिए, 3, 4, 5, 6, 7 मैं भी पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग आंखें नहीं खोल पा रहे, वाकई कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कैमरा प्लीज इनको इनके पास ले जाके खोलने की, जितना खोलने की कोशिश कर रहे हैं और रिजिड होती जाएंगी, आपने ट्राई किया कि बोल भी नहीं पाएंगी, खोल पाएंगी, अच्छा आप भी नहीं खोल पा रहे आंखें, कोशिश करो, कोशिश कर रहे हो पर खुल नहीं रही, इनके पास कोशिश कर रही लग रहा है, आप भी नहीं खोल पा रहे, नहीं कोशिश तो कीजिए कैमरे पर, कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा, चलिए ताकत दिखाऊं आपको, और मैं काउंट करूंगा 1-5 और हर इंसान की शख्स की जिनकी भी आंखें लॉक हैं माइंड एकदम डीपली रिलैक्स हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, 1, 2, 3, 4 and 5, ओपन योर आईज एंड फील रिफ्रेश, खुल गई, हैप्पी, डर लग रहा था आपकी भी खुल गई, अब मैम समझने वाली बात ये है कि अगर यही काम मैं भी कुछ ऐसा चोला डाल के करूँ और मैं शो करूँ कि भाई मेरे अंदर दैवीय शक्ति है तो फिर मेरे पास वो आएंगे, मुझे सब में दर्द होने लगा, तो ये होता है ऐसा इस टाइम पे, हम जो कोशिश कर रहे थे ना अंधविश्वास से जी, दवाई की कंपनी बंद हो जाएगी यार ऐसे आपने कभी, तो क्लिनिक्स को बंद करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसमें मैं पहली चीज से बताऊँ की मैं हर इंसान को नहीं कर सकता, ठीक है, जो माइंड मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएगा मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि लोग हमसे हिप्नोटाइज होने नहीं आते, अपनी मदद कराने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि क्यों ये मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए, उसका कारण समझे, मैंने यहाँ पर एक एक्ट किया, मैंने दूसरा एक्ट किया, मैंने ये शो कर दिया कि मेरे पास पावर है, मुझे करना आता है, मैंने साइंस एक्सपोज नहीं की और मैंने ये बता दिया कि मुझे करना आता है, अब जो सामने वाला चाहे वो माने या ना माने उसका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है, पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद मैंने जो इनको सजेशन दिया इनके माइंड ने वो फॉलो किया, अब ऐसा ही वहां हो रहा है, अब किसी एक को मन से बुला के कुछ ऐसा अगर आता है, लेट मी ट्राई, ऐसे किन लोगों की आंखें बंद हुई थी एक बार आंखें का अभी सब लोग याद है, हाँ जिन्होंने जिनकी आंखें खुल गई, जिनकी आंखें बंद थी, जिनकी आंखें बंद थी, लेट मी ट्राई कि भाई कितना
ज्यादा कितना अच्छा हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, आप माइंड रिलैक्स करना चाहते हैं, ओके, टेक अ डीप ब्रीथ एंड क्लोज योर आईज राइट नाउ एंड गो टू द डीपर रिलैक्सेशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड नाउ आई टच योर हैंड्स। और आपको जैसे आपने वो वीडियो में देखा था ना कि हाथ लगाते ही लोग हिलना स्टार्ट हो गए थे ना, उनके हाथ बहुत तेज से हिल रहे थे, जैसे मैं आपको हाथ लगाऊंगा आपके हाथ में भी उसी स्पीड से पावर आएगी और आप भी वैसे करना स्टार्ट हो जाएंगे। जितना रोकने की कोशिश करेंगे तो और फास्ट होता जाएगा, जितना रोकने की कोशिश करेंगे तो और फास्ट होता जाएगा। फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर, दैट्स गुड, फास्टर एंड फास्टर। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं पर हाथ नहीं रोक सकते। रिलैक्स। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, कई बार किन लोगों की चीज का, कई भी बात का ज्यादा इंपैक्ट आता है, जो अथॉरिटी फिगर्स होती है, जो बात आपको डॉक्टर्स, लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या कोई ऐसा शख्स जो किसी फील्ड का मास्टर है, जब आपको वो बात कहेगा ना, उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आप इनके सबसे फास्ट भी होगा, क्या समझिएगा। चलिए अब मैं आपको, आप सब लोग चले बात रखिए, मेरे तरफ देखिए। अब जैसे मैं आपके हाथ टच करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली दोबारा तेज भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रोको रोको, जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना और तेज होते जाएंगे। आप नहीं रोक पा रहे हो। इवन 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 देखो, ये देखिए आपके हाथ, और ये आपका नाम भी आपके माइंड से गॉन। आप अपना नाम बोलने की कोशिश करेंगी पर बोल नहीं पाएंगी, योर नेम इज गॉन फ्रॉम योर माइंड। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं पर अपना नाम नहीं बोल सकते। क्या मैं, ये नहीं, आंखें आंखें ओपन पर आप अपना नाम नहीं बोल सकते। क्या मैं आऊँ वहाँ? हाँ, नाम याद आ रहा है आपका, नाम क्या, व्हाट इज योर नेम। चलिए 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 चलिए, मैं आपका नाम आपको वापस देता हूँ। मैम नाम याद है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, जैसे कि नहीं, जैसे कि अभी ये बोल नहीं पाएगी। देखिए अक्षर नेम, आपका नेम है रजनी, क्या नाम है आपका? नो नो, गलत था, आपका नाम है रीटा, क्या नाम है आपका? रीटा। गुड, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई भी नहीं है। एक्टर विकी कौशल, लेट मी ट्राई समथिंग, जैसे इनका माइंड इन्फ्लुएंस है, देखते हैं। विकी कौशल से मिलना चाहते हो? 1, 2, 3 गुड एंड स्लीप। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गोइंग डीपर एंड डीपर, 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 योर नेम इज गॉन फ्रॉम योर माइंड। अब जैसे आप अपनी आंखें खोलेंगी, जैसे आप अपनी आंखें खोलेंगी, आपको आपके सामने विक्की कौशल नजर आ गई। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। मतलब आपको रियल में विक्की कौशल का रिफ्लेक्शन हुआ, 0.5 सेकंड का रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन फिर वो हट गया एकदम से। आपने एक चीज और देखी होगी, बोला जाता है कि मैं सामने से मैं बांध दूंगा सब चीजों को। ठीक है, देखिए दोनों हाथ दीजिए, ये आपके दोनों हाथ यहीं पर लॉक, 1, 2, 3, 5 एंड दे आर लॉक। जितना हिलाने की कोशिश करोगे उतनी और ज्यादा हार्ड होते जाएंगे, कोशिश करेंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। कोशिश करो, नहीं हो रहा मैम, बहुत स्टिफ हो रहा है वो, ऐसे किसने ऐसे पीछे पकड़ लिया है इधर ऐसे। कई बार हमें लगता है कि चीजों ने हमें जकड़ा हुआ है, वही तो कर रही हूं। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, चुटकी बजाऊंगा राइट बाजू फ्री, चुटकी बजाऊंगा लेफ्ट बाजू फ्री, बट लेफ्ट फ्री होते ही दोनों लेग्स लॉक हो जाएंगे। मूव करो, मूव करो, प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब ये अब मैं टच करूंगा आपकी लेग्स तो इसके बाद हल्का सा भी नहीं ला पाएंगे, अंगद का पांव बन जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पांव बहुत टाइट पकड़ लिया है वो वहां पे, एंकल्स की साइड में पेन हो रहा है, किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया नहीं। चलिए आपका राइट पैर रिलीज करते हैं, उठ रहा है वाला नहीं, लेफ्ट वाला करते हैं, यानी कि मेरे चुटकी हो गए। अच्छा मुझे अपना नाम बताओ, याद आ गया? पायल।
पायल पकड़ आ गया था। आप बताओ क्या नाम है? नाम भी चेंज करो तो सर। यार पायल आपका क्या नाम है? यस पायल आपका नाम क्या है? यार है बट वो आ नहीं रहा। नाम ला दो अब ध्यान से समझे। आंखें खुली हुई हैं यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? आंखें खुली हुई हैं ये आपसे बात भी कर रही हैं और आपको कॉन्शियस भी लग रही हैं बट इनके सब कॉन्शियस का कंट्रोल मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने इनको इन्फ्लुएंस किया है। थोड़ा चल के दिखाओ नहीं लग्स तो खोल तो क्या लगे बट नाम याद आ रहा है याद है लेकिन वो बोला नहीं जा रहा है। अरे आपका नाम श्री देवी है बच्चों ने क्या नाम आपका? तो ये कब से कैसे रह सकती है मतलब जब तक आपका अगला कमांड नहीं मिलेगा तब तक कितना नहीं रहेगा? पहली बात तो ये नहीं है कि मैं इनको इसी हालत में ये रहेंगी या मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं इनको कमांड नहीं भी दूंगा रिलीज होने की तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी जैसे अभी एक लंबा सांस लेकर छोड़ेंगी इनको इनका नाम याद आ जाएगा। क्या नाम है? ठीक है अब एक चीज बताऊँ आपको अब मैं काउंट करूंगा 1-5 और पायल बहुत तेज तेज से हंसना शुरू कर देंगी 1-2-3-4-5 लाउडर 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 नहीं हंसना है रिलैक्स जैसे कहीं जगह बोला जाता है कि आप रोएंगे आप हंसेंगे आप नाचेंगे। अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? ये अभी कुछ भी नहीं बताएगी चलिए बेटा थैंक यू सो मच। इसलिए पहले मुझे ये बता दीजिए बहुत ब्रेव हैं ये सब लड़कियां जो यहाँ आई हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को बैठे हुए वहाँ पर थोड़ा भी डर लग रहा है तो उनके माइंड से भी निकल जाए। मैम मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार इनसे बात करूंगा इनका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स करके ही जाऊंगा इस स्टेट को तोड़ के जाऊंगा। पायल ऑल वेल आप रिलैक्स फील कर रही हैं? कुछ नहीं कोई पेन तो नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई बर्डन नहीं माइंड में? नहीं सब ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल कर ये चमत्कार था ये आपके अंदर कोई मैजिकल नहीं सर कुछ नहीं है मैं साइंस था सर मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे अंदर एक पावर है मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ साइंस मैंने बाद में बताया। एक बात कहना चाहूँगा अगर कोई चीज आप एक्सप्लेन करके बता सके कि ये ऐसे है ऐसे में तो वो तो चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार का मतलब ही वो है जहाँ पर हम चीजें समझ नहीं पाते हैं और वो चीज वहाँ पे होती है जहाँ पे ईश्वर का सहयोग से वो चीजें होती है और ईश्वर का कार्य होता है उसको आप दिखाकर कह नहीं सकते कि ऐसे मैंने किया इसलिए ये ऐसे हो। सर वो चमत्कार एक चीज बताऊंगा आपको अब दो चीजें होती हैं एक होता है चमत्कार एक होता है मैजिक ट्रिक और एक होता है साइंस। ठीक है सर ये आपकी आंखों का चश्मे का नंबर क्या? -2 एक मिनट देंगे सर अब ध्यान से देखिए कैसे कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाते जिससे वो शक्ति दिखा पाए। अब ये ध्यान से देखिए मूवमेंट हो रहा है। अगर असूलन बात करूं तो ये मैजिक की एक ट्रिक है। लेकिन फादर जो बात आप कह रहे थे लोगों को ये तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप बताया वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उन्होंने कहा कि ये साइंस है ये कोई चमत्कार नहीं है लेकिन वहां पर तो इसे चमत्कार के तौर पर ही परोसा जा रहा है ना। आप सोचिए कि लोग अपनी गाड़ी कमाई लेकर आते हैं फिर श्रद्धा के तौर पर उस दान पेटी में डालकर चले जाते हैं। मैडम पाखंड जो है किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है ये बात तो सब मानते हैं चाहे हिंदू धर्म हो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो ईसाइयत हो किसी भी धर्म के लिए पाखंड अच्छा नहीं है। विश्वास जो है उसके बूते पर कोई भी धर्म चाहे तो विश्वास और ये पाखंड इनको हमको अलग अलग करते देखना चाहिए। कोई अपने बढ़ाई के लिए अपने आप को बड़ा करने के लिए अपनी महिमा मंडल के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। व्यक्त क्रिएट करने की कोशिश डॉक्टर जो सर ने अभी दिखाया बेसिकली इसको हम हिप्नोटिज्म कहते हिप्नोसाइंस है ये। अगर आप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जाएंगे जब डॉक्टर बनते हैं तो हमारे को हिप्नोटिज्म का एक कोर्स होता है। आप ये देखोगे कि बाहर के देशों में हिप्नोटिज्म से आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और आपके लाइव ऑपरेशन होता है कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता पेशेंट के ऊपर सर्जरीज की जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी लाइव कर सकता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि इट्स इन साइंस आप साइंस को आप
कंट्रोल कर पा रहे हो मासेस को, पार्ट ऑफ साइंस, ये सब पार्ट ऑफ साइंस, पार्ट ऑफ साइंस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चर्चेज में मैंने देखा है कि वो हाथ लगाते हैं, लोग उठते हैं, बिल्कुल वो बुरी हालत में होते हैं, पैरालिसिस पेशेंट आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अगर ये सच होता तो हमारे जो पोप जॉन पॉल है, जो पिछले कई वर्षों से चेयर पे बैठे हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल चल नहीं पाते। तो जो अभी पोप है वो चल नहीं पा रहे। अगर वो इतना चमत्कार करते तो वो खुद अपने ऊपर करके उनको चला लेते हैं, कोई धर्म को चला लेता। तो ये सारा टाइम को आप क्लियर करें कि जो आप रिपोर्ट में देख रहे थे आप उसे क्या पाखंड मानते हैं या नहीं। देखिए कैथोलिक चर्च जो है वो पूरा साइंटिफिकली बिलीव करता है, मतलब आप हमारे बिलीव नहीं करते। मैं आपको ये यहाँ तक कह दूं कि हमारे जब कोई भी मिशनरी हो, कोई भी व्यक्ति जब संत बनता है तो उनकी मध्यस्थता से, उनके द्वारा प्रार्थना से अगर कोई चमत्कार होता है तो भी कोई वो एक दो दिन में आदमी संत नहीं बनता। उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें वो जो भी चमत्कार होता है उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद योगी जी, फिर तो हरमन जी ने जो कर कर दिखाया, इन्हें भगवा धारण कर लेना चाहिए जैसे और लोगों ने किया हुआ है, सबके धंधे चल रहे हैं। भगवा ही को धारण करना, पादरों की तरह कपड़े भी डाल सकते हैं, कुछ मुसलमानों की तरह डाल सकते हैं, भगवा भगवा ही क्यों? करोड़ों लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इस प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से, जादू के माध्यम से इसको लुभाने का काम किया जाता है। सत्य सनातन धर्म के अंदर सत्यता के आधार पर इस प्रकार के पाखंड को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये पाखंड है और सत्य सनातन धर्म इसको किसी भी प्रकार से आज्ञा नहीं देता, चाहे हिंदुत्व में हो, क्रिश्चियंस में हो, मुस्लिम्स में हो। कि देखिए अपने अपने मस्तिष्क की गतिविधियों को दूसरे के मस्तिष्क की जो जो चेतन बुद्धि है उससे सब कुछ कराया जा सकता है। ये योग है, क्रिया है, उसके पैमाने बदले जा सकते हैं। भाई वो बोल रहे थे हाथ ऊपर करो, नीचे करो, जो मेरी बुद्धि बोल रही थी वो बुद्धि स्वीकार कर रही थी, वो उसको कर रहा था। कहीं ना कहीं चेतन देखे, सकारात्मकता सकारात्मकता से जाकर मिलती है, ये सच्चाई है। नकारात्मकता नकारात्मकता से जाकर मिलती है। सकारात्मक बात कर रहे थे तो सकारात्मक परिणाम निकल रहा था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि पाखंड केवल एक तरफ नहीं है, पाखंड हर जगह समाया। और यही पाखंड को तो हम चाह रहे हैं कि बेनकाब करें, ये अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है उसे बेनकाब करें। फाइनल कंफ्यूजन एक मैसेज न्यूज नेशन ने जो ये मंच तैयार किया इन पाखंडियों को बेनकाब करने का, इसमें एक जरिया आप भी बने। सो फाइनल 20 सेकंड में कहीं अपना कमेंट दीजिए। जैसे कि मैं पहले एक बार कह चुका हूं कि दैवीय शक्ति इस दुनिया में हर उस इंसान के पास है जिसे परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। हमारा माइंड अगर अच्छी बुक्स पढ़ें, प्लेसिबो को जानें, बिलीफ सिस्टम को जानें, तो हम अपनी कई सारी साइकोसोमेटिक डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज हम अपने घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं। पाखंड कहीं पर भी हो उसका कहते ना पूरी ताकत के साथ। जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको ये जानना होगा कि विश्वास और अंधविश्वास की जो बारीक लकीर है ये आप ही को पहचानना होगा। बहुत धन्यवाद आपसे। और खास बात ये भी है कि हमारी ये मुहिम लगातार जारी है और ऐसे ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को जो धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं ना, उनको हम बेनकाब करते रहेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है, तो आप भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।